गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्लास सेवन इंग्लिश ग्रामर. नाउ वी आर गोइंग टू एंड अवर चैप्टर वन. जो हमारा सेंटेंसेस उसको हम बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं. फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस मीन्स अ स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड यू नो वेल, अरेंज्ड प्रॉपर विच हैज अ मीनिंग, असर्टिव जिसके दो पार्ट होते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई वी आर वेल, इंपेरेटिव जिसमें हम सजेशन देते हैं, वार्निंग देते हैं, कमांड, ऑर्डर, पोलाइटनेस, फिर एक्सक्लेमेटरी जिसमें आश्चर्य दुख होता है. फिर हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस. अ सिंपल सेंटेंस जिसमें कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं है. सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं होता. अगर हम सिंपल सेंटेंस को देखें तो हमें और इजी मालूम पड़ेगा. यहां पर आई एम रीडिंग वन सिंपल सेंटेंस. ही बोस्टेड ऑफ हिज ब्रेवरी. बोस्टेड मींस रिवार्डेड, ऊपर उठाना, आगे लाना. ही बोस्टेड. और अगर हम सिंपल सेंटेंस देखें, आई सॉ हिम ऑन द रोड. कल हमने पढ़ा था आई सॉ हिम ऑन द रोड. बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है. सबॉर्डिनेट क्लॉज मीन्स जो कोई कारण दर्शाता है, जो कोई कारण दर्शाता है, राइट. जैसे ही वॉज पुअर. ही वॉज पुअर बिकॉज हिज फादर डाइट. वह गरीब था क्योंकि उसके पिता मर चुके थे. कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो होता है जिसमें मेन क्लॉज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति ही, राम, श्याम, कुछ भी लगे, वस्तु हो, ये हो गया मेन क्लॉज. और ये हो गया बिकॉज ऑफ हिज फादर, है ना, क्योंकि उसके पिता नहीं थे यार, तो ये हो गया सब ऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट क्लॉज तब हमको समझ में आ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके, सिंपल सेंटेंस आई सॉ हिम ऑन रोड. आई सॉ हिम ऑन रोड सिंपल सेंटेंस. और ही वॉज पुअर बिकॉज हिज फादर डाइड. और आई सॉ हिम ऑन रोड बिकॉज He was begging. मैंने उससे सड़क पर देखा क्योंकि वह भीख मांग रहा था. तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नाउ अब हम जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस. अगर हम कंपाउंड देखेंगे, शब्द ही होता है कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण. जब हम कुछ चीज को मिला के बोलेंगे, जैसे फॉर एंड, नीदर नॉर इधर और, नीदर नॉर इधर और, बट और, येट, सो, तो आप इसमें कुछ भी बता सकते हैं कंपाउंड के. आपको लगेगा कि यस सर, ये मेरा कंपाउंड है जिसके अंदर कुछ मिला हुआ है ना. आई बिलीव्ड हर बिलीव्ड हर फॉर, मैंने उस पर विश्वास किया. एंड आई बिलीव्ड हर फॉर शी नेवर टेल्स अ लाई, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलती है. फॉर शी नेवर टेल्स अ लाई, वह झूठ और वह नेवर कभी झूठ नहीं बोलती. आई बिलीव्ड हर फॉर शी नेवर टेल्स अ लाई. और एक हमने कल की बात करी थी, He was poor but was honest or but honest. He was poor but honest. But लगे तो कहीं ना कहीं हम ये बताना चाहते हैं कि दो शब्दों को, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं जब अलग अलग. जैसे पहला अगर हम इसको ध्यान से देखें, कोई बड़ी बात नहीं. ये He was poor पहला. He was
पुअर और दूसरा है ही वॉज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह गरीब था, ही वॉज पुअर, वह गरीब था, ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। आप दोनों को एक साथ बोले ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब था लेकिन ईमानदार था। तो आपने दोनों सेंटेंसेस को बहुत तरीके से कंपाउंड कर दिया, जोड़ दिया। तो ये जो जोड़ना होता है ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेंटेंस। मुझे मैथ्स का इंटरेस्ट याद है, कंपाउंड इंटरेस्ट को लगे फॉर एंड इधर नॉट इधर और बट और येट, है ना, येट होता है, येट ही हैज नॉट ओपन हिज अकाउंट, उसने अभी तक खाता नहीं खोला है। आप देखते हैं कोई बैट्समैन खेल रहा है, दो ओवर हो गए, वो खेल रहा है गेंद को, उसने बहुत दिन अभी तक उसने कोई रन नहीं बनाया, तो उसने अभी तक रन नहीं बनाया तो उसको बोलेंगे ही प्लेड येट नॉट ओपन हिज अकाउंट, है ना, ही प्लेड वो खेला, ही इज प्लेइंग वो खेल रहा है, येट नॉट ओपन हिज अकाउंट, पर अभी तक उसने कोई अपना खाता था, उसने अभी भी कोई रन नहीं बनाया, येट आ गए, है ना। सो आप सो हम बहुत सी बार ही वॉज इन सो कुड नॉट कम टू स्कूल, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ सका, ही वॉज इन सो कुड नॉट कम टू स्कूल, और ही वॉज इन सो कुडंट कम टू स्कूल। सो आप कहीं ना कहीं कंपाउंड सेंटेंसेस को देखते समय जान जाएंगे कि सर ने बताया दो अलग अलग सेंटेंसेस को जो जोड़ के बनाया जाता है, जो जोड़ के बनाया जाता है वो कहलाता है कंपाउंड। तो पहले हो गया सिंपल, सिंपल सेंटेंस में मेन क्लॉज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स में मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कोई कारण होता है, और कंपाउंड सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस को कहीं ना कहीं ऐड किया जाता है, एडिशन जोड़ा जाता है, वो कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। अब हम इसके जब एग्जाम्पल देखेंगे हमारे एक्सरसाइज में तो हमारा और क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कितना आसानी से कर सकते हैं। हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। आप देखिए पेज नंबर 8 रिव्यू टाइम, पेज नंबर 8 रिव्यू टाइम। पहला, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, विच टाइप ऑफ, इट इज जस्ट सिंपल, सिंपल सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस इज सिंपल। फर्स्ट, द सर्विस गैरेज स्मेल्स ऑफ ग्रीस एंड गैसोलीन, सर्विस गैरेज मतलब जहां पर कारें ठीक होती है, गाड़ियां ठीक होती है, गैसोलीन मतलब होता है पेट्रोल, ध्यान देना पेट्रोल, एक और वर्ड है गैसोलीन, जिसको कहीं ना कहीं आप गैसोलीन को अगर आप सुनो कैरोसिन के साथ मिलाया जाता है पेट्रोल, गैसोलीन। द सर्विस गैरेज स्मेल्स ऑफ ग्रीस एंड गैसोलीन। अब आप देखिए ग्रीस एंड गैसोलीन, एंड लग गया तो अफर्मेटिव भी है सेंटेंस और कंपाउंड है, अफर्मेटिव एंड कंपाउंड। विथ कंपाउंड क्योंकि दो हैं एंड इसके साथ उसकी भी बात आ रही थी, सी ओ एम पी ओ यू एम डी कंपाउंड सेंटेंसेस। थर्ड, though he was very rich he was still unhappy, though he was very rich he was still unhappy। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये कौन सा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वेरी गुड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, माय मेन फियर डेथ एज चिल्ड्रन फियर डार्कनेस, मेन फियर डेथ एम ई एन एन मेन, मेन मेन नहीं, मेन एक होता है मेन ज्यादा होता है ना, लोग मौत से ऐसे डरते हैं जैसे बच्चा अंधेरे से डरता है, तो कहीं ना कहीं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव। एक सजेशन दिया गया है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन, सिक्स, व्हेन शी केम हियर आई वॉज रीडिंग अ बुक, व्हेन शी केम हियर आई वॉज रीडिंग अ बुक, वेरी गुड, इट इज
इज ए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें दो है सब, एक मेन क्लॉज है, आप क्या कर रहे हो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कर रहे हो, वेरी गुड, इट इज ए सबऑर्डिनेट, सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स. God made the country. God made the country and man made the town. God made the country. भगवान यानी ईश्वर ने देश बनाया, लोगों ने शहर बनाया. God made the country and man made town. It is a compound sentence. कि भगवान ने ये बनाया और आपने ये बनाया. आप जोड़ रहे हैं दो sentences. Our house is small but our heart is big. हमारा घर छोटा है लेकिन हमारा दिल बड़ा है. ऑब्वियसली ये भी कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि दो सेंटेंसेस को बना के आपने बनाया. बहुत बढ़िया. नाउ वी विल स्टार्ट विथ, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ द गिवन, है ना. अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, आप उसको, अगर हम उसको चेंज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं. वी मस्ट ईट हमें खाना चाहिए ना, मस्ट मतलब जरूरी है, हमें खाना जरूरी है. वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, और वी कैन नॉट लिव, और वी कैन नॉट लिव. वी मस्ट ईट, है ना, हमें खाना ही चाहिए, नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं. वी कैन नॉट लिव. अब इसको ये सिर्फ कंपाउंड है, ये तो कंपाउंड सेंटेंस, और आगे हम पढ़ चुके हैं कंपाउंड सेंटेंस. वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव. अब इसको हम सिंपल सेंटेंस इतना ना लिखते हुए, दिस इज ए कंपाउंड सेंटेंस, इसको हम चूंकि इसके अंदर और बट हम पढ़ चुके हैं, और बट नीदर नॉट इधर और ना बिकॉज या, अब हम इसको सिंपल में चेंज करें. तो जब हम सिंपल में चेंज करें तो हमको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है. वी मस्ट ईट टू लिव, वी मस्ट ईट टू लिव, यानी हमें जीवित रहने के लिए खाना ही चाहिए या खाना ही पड़ता. वी मस्ट ईट, हमें खाना ही चाहिए, खाना जरूरी है, हमें खाना जरूरी है टू लिव, जीवित रहने के लिए, राइट. तो आप देखेंगे यहां बड़ा सेंटेंस था, उसको हमने कितने शॉर्ट में कर दिया. वी मस्ट नीड टू लिव, हमें जीवित रहने के लिए खाना ही चाहिए. वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, हमें खाना चाहिए, हमें खाना ही चाहिए. वी मस्ट लिव अदरवाइज या हम मर सकते हैं. वी कैन नॉट लिव, हम भी जीवित रहेंगे लेकिन हमने शॉर्ट में ले लिया. वी मस्ट नीड टू लिव. तो वी हैव सम एग्जाम्पल. अब हम आप पहले को एक बार रिवाइज कर लीजिए. सेकंड टर्म जब हम नेक्स्ट वेबिनार हम बी सी और डी चैप्टर 1 के बी सी और डी ये जो एग्जांपल है ये हम करेंगे. थैंक यू.